एडमिशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे हम अब, कैपिटल एडजस्टमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ध्यान से देखना, कैपिटल एडजस्टमेंट डिफरेंट डिफरेंट तरीके की हो सकती है। ब्रॉडली एडमिशन में ब्रॉडली दो तरीके की होती है, एक जब नए पार्टनर की कैपिटल गिवन है और एक जब नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है। अभी हम कर रहे हैं एडजस्टमेंट नंबर वन, व्हेन द न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज गिवन, कि ए बी फॉर पार्टनर्स, सी इज एडमिटेड टू द फर्म, ही ब्रिंग्स दिस मच फॉर हिज कैपिटल, वो कितना कैपिटल आ रहा है, इट इज गिवन, एंड कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। एग्जाम्पल केस क्या है, ध्यान से, व्हेन द न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज गिवन एंड कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। जो नया पार्टनर ला रहा है, कह रहा है इस क्वेश्चन में, जैसे ए एंड बी वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2, कैपिटल ऑफ ए 1 lakh, कैपिटल ऑफ बी 50,000, सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर एंड ही ब्रिंग्स 40,000 एज कैपिटल, तो वो कह रहे हैं कि मैं 40,000 लाया हूं कैपिटल के लिए फॉर 1/4 शेयर, मेरे बेसिस पे सबकी कैपिटल्स एडजस्ट कर दो, सबकी कैपिटल जो है ना उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से होनी चाहिए, कि अगर सी 40,000 ला रहा है 1/4 शेयर के लिए, तो जो भी बाकियों का शेयर है उसके हिसाब से सबकी कैपिटल बांट दो। तो ध्यान से देखना बेटा, क्वेश्चन क्लियर है, ए और बी की कैपिटल गिवन है 3:2, एग्जाम्पल से समझाऊंगा एप्लीकेशन ऑफ केस वन, केस वन ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट, नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे पुराने पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करने वाले हैं। क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। ओके, स्टेप वन, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर। मतलब इफ सी ब्रिंग्स, ध्यान से देखना, इफ सी ब्रिंग्स 40,000 फॉर 1/4 शेयर, इफ सी ब्रिंग्स 40,000 फॉर 1/4 शेयर, टोटल कैपिटल क्या हो जाएगी भव्या? अगर किसी चीज का 1/4 40,000 है तो उसका टोटल कितना हो जाएगा? 1,20,000। 40,000 इंटू 4/1, 1,60,000। टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे? नए पार्टनर के शेयर के बेसिस पे। ये क्लियर है सबको? यस सर। स्टेप टू, ध्यान से देखना, स्टेप वन उसके बेसिस पे आप टोटल कैपिटल कैलकुलेट कर लो, कह रहे कर ली। स्टेप टू, कैलकुलेट ईच पार्टनर्स रिक्वायर्ड कैपिटल एज पर द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से हर एक पार्टनर की कैपिटल कितनी होनी चाहिए वो कैलकुलेट करो। तो पहले नया रेशियो तो कैलकुलेट करो, ओल्ड रेशियो 3:2, सी एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, ए और बी, ओल्ड रेशियो 3:2, सी एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, ठीक है, सी एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, कौन दे रहा है कुछ मेंशन नहीं है, तो इस केस में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, रिमेनिंग शेयर, तो रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 - 1/4, विच इज इक्वल टू 3/4, ये 3/4 किसको मिल जाएगा, ए और बी को, यस और नो? यस सर। ए एंड बी, ए को कितना मिलेगा, 3/4 का 3/5, बी को कितना मिलेगा, 3/4 का 2/5, 3 3s are 9 by 20, 3 2s are 6 by 20, तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा,
न्यू रेशियो इज इक्वल टू ए बी सी. ए का क्या है 9/20, बी का क्या है 6/20 और सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 चेयर 5/20. तो 9:6:5 न्यू रेशियो कैसे निकाला, किसी को कोई भी डाउट? समझ आई बात? यस सर. अब ध्यान से देखना, पहले न्यू रेशियो निकलेगा, अब कैलकुलेट ईच पार्टनर्स शेयर न्यू रेशियो के हिसाब से. अब ध्यान से देखना, अगर टोटल कैपिटल 1,60,000 है और वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए, तो आप बताओ अनुष्का, एज कैपिटल कितनी होगी? सो 1 लाख इनटू 9/20. करेक्ट, 1,60,000 इनटू 9/20. बीज कैपिटल कितनी होगी? 1,16,000 इनटू 6/20. 1,60,000 इनटू 6/20. सीज कैपिटल गिवन है, वेरिफिकेशन के लिए बस कर रहा हूँ, 1,60,000 इंटू 5/20. इसी के बेसिस पे तो हमने सारा करा है, तो ये तो ठीक आएगा ही आएगा. तो चलो 20 into 8, 8 9 जा, एक ही कैपिटल होनी चाहिए 72,000. 6 8 जा, बी की कैपिटल होनी चाहिए 48,000. सी की कैपिटल 40,000. अब आपको ये बात समझ आ जाएगी कि जब नया पार्टनर कैपिटल गुडविल कैश में नहीं लाता था, तो हम उसके करेंट अकाउंट को क्यों डेबिट करते थे. इसी में अगर एग्जांपल लेता हूं, मैं ऐसे एक छोटा सा पॉइंट आपको याद दिला रहा हूं, अभी कैपिटल एडजस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है, बट क्योंकि वो लॉजिक यूज हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा. वो 40,000 कैपिटल आया, उसके बेसिस पे हम पूरी कैपिटल निकाल रहे हैं फर्म की. यस सर. और उसके बेसिस पे हम सबकी कैपिटल निकाल रहे हैं. अब अगर वो अगर गुडविल कैश में नहीं लाता, 5,000 अगर उसकी गुडविल होती और मैं उसके कैपिटल को ही डेबिट कर देता, तो उसकी कैपिटल तो 40,000 की जगह 35,000 रह जाती. यस सर. उसके कैपिटल के बेसिस पे हम सबकी कैपिटल एडजस्ट कर रहे हैं और उसी की ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से नहीं होती, तो सब गड़बड़ हो जाता, कैपिटल्स डिस्टर्ब हो जाती, नहीं कर सकते. तो इसीलिए व्हेन द न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, इट शुड बी एडजस्टेड टू हिज करंट अकाउंट. बैक टू कैपिटल एडजस्टमेंट. स्टेप वन, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर शेयर, कर ली. कैलकुलेट ईच पार्टनर्स रिक्वायर्ड कैपिटल एज पर द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो उसके लिए पहले आपके पास न्यू रेशियो होना चाहिए, फिर न्यू रेशियो के हिसाब से टोटल कैपिटल से हमने कैलकुलेट कर दिया, ए की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, बी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, सी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए. क्लियर है? यस सर. लास्ट स्टेप ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट, कंपेयर करेंगे कि उनकी कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स बट बिफोर कैपिटल एडजस्टमेंट, बाकी सारी एडजस्टमेंट्स आप कर चुके हो, उनकी क्लोजिंग कैपिटल After all adjustments, but before capital adjustment क्या आ रही है, उसको बोलते हैं existing capital. और जो new profit sharing ratio के हिसाब से होनी चाहिए, उसको बोलते हैं required capital. अब इस case में जैसे capital कोई और adjustment नहीं है, तो एक ही existing capital कितनी आ रही है after all adjustments? 1 lakh. Yes, sir. Given है question में. और उसकी required capital कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से उसकी होनी कितनी चाहिए? 72,000 होनी चाहिए. तो क्या वो और पैसे लेके आएगा या उसको वापस कर देंगे हम एक्स्ट्रा? वापस करने पड़ेंगे. उसने एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है. अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पे कैपिटल एडजस्ट हो रही है, तो उसने इन्वेस्ट कर रखा है कितना, 1 लाख. होनी चाहिए उसकी कैपिटल 72,000. अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं, अभी क्वेश्चन पे तो हम आएंगे, तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें. ए की कैपिटल होनी चाहिए 72, ऑलरेडी है 1 लाख, एक्स्ट्रा है वापस कर दो. ऐसे ही बी की 50,000 है,
होनी चाहिए 48,000, उसको भी 2,000 वापस कर दो। ये भी तो हो सकता था कि बी की कैपिटल 40 है अभी और होनी चाहिए 48, उस केस में वो 8,000 लेके आता। तो पॉइंट है, सी आया है, सी कह रहा है कि भाई मुझसे अगर 40,000 मंगवाया है 1/4 शेयर के लिए, तो सबकी कैपिटल ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से एडजस्ट कर दो। लास्ट ध्यान से देखेंगे स्टेप थ्री। स्टेप थ्री क्या है, कैलकुलेट सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस और डेफिसिट मतलब किसके कितने हैं, ज्यादा हैं तो उसको वापस करो, कम है तो वो लेके आएगा। ए की रिक्वायर्ड कैपिटल कितनी निकली, 72,000, बी की कितनी निकली, 48,000, सी की तो जितनी है उसके बेसिस पे ही सब कुछ हुआ है, उसकी जरूरत नहीं है। ए की एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है, 1,00,000, और बी की एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है, 50,000। एक एक करके बात करते हैं। ए की एग्जिस्टिंग कैपिटल मतलब अभी कैपिटल बिफोर कैपिटल एडजस्टमेंट 1,00,000 आ रही है, होनी चाहिए 72,000, ए को वापस कर दो। ए विल बी गिवन रुपीज 28,000, इन अदर वर्ड्स ही विल withdraw from the business, excess capital है वो business से withdraw कर लेगा। किसी को कोई doubt? No sir. B will be given rupees 2,000. He will withdraw from the बिजनेस। इस एग्जाम्पल में दोनों की ही एक्सेस कैपिटल थी, दोनों को वापस कर देंगे। अगर जनरल एंट्री पास करते तो क्या एंट्री पास होती, एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक। डाउट, बड़ा इंटरेस्टिंग डाउट आ सकता था कि सर हम तो पार्टनर्स को पैसे दे रहे हैं, यस और नो? यस सर। उनको तो क्रेडिट होना चाहिए। बेटा पैसे बिजनेस से, फर्म से पैसे बाहर जा रहे हैं, कह रहे हैं आपने बिजनेस में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, ये लो पकड़ो, ये घर ले जाओ पैसे। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शन होगी, यस सर। तो बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? गुड। तो इंटरनल लायबिलिटी क्या थी, कैपिटल। अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी कम हो रही है, कैपिटल कम हो रही है, तो इसीलिए डेबिट। पेमेंट कर रहे हैं, बिजनेस के एसेट्स कम हो रहे हैं, इसीलिए क्रेडिट। लॉजिक समझ आया एंट्री का? यस सर। तो हम उसको पैसे दे रहे हैं इन द सेंस कि वो कुछ भी कोई इनकम नहीं है, कह रहे भाई साहब पकड़ो ये पैसे और निकलो यहाँ से, इतने पैसे आपके कम हो गए, आपके कैपिटल, कैपिटल रिडक्शन है। तभी मैंने ब्रैकेट में लिखा ही विल विड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस, इट इज नॉट एन इनकम जो हम उसके कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं, कह रहे हैं एक्सेस कैपिटल है इसे विड्रॉ कर। बहुत ईजी है कैपिटल एडजस्टमेंट, बट जो लास्ट स्टेप है उसमें हम क्या कंपेयर करते हैं, रिक्वायर्ड कैपिटल कितनी होनी चाहिए, एग्जिस्टिंग कैपिटल, जो ये एग्जिस्टिंग कैपिटल है ये कौन सी होती है बेटा, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स या बिफोर ऑल एडजस्टमेंट्स, बोलो अनुष्का। ये जो एग्जिस्टिंग कैपिटल हमें यूज करनी है कैपिटल एडजस्टमेंट में, ये कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है जो कैपिटल अकाउंट्स में है, उसका क्लोजिंग बैलेंस बिफोर कैपिटल एडजस्टमेंट है ना ये, बट बाकी रिवैल्यूएशन, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, गुडविल, उनसे पहले या उसके बाद? वेरी गुड। तो ये जो एग्जिस्टिंग कैपिटल होती है ये होती है आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स बट बिफोर कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट तो अभी हम कर रहे हैं, बट बाकी सारी आप एडजस्टमेंट्स कर दो, क्लोजिंग बैलेंस निकालो, फिर कंपेयर करो रिक्वायर्ड कैपिटल से। करके दिखाऊंगा मैं अभी इस पे एक क्वेश्चन।